कोचिंग पढ़ने गई 16 साल की नाबालिग छात्रा लापता युवक पर बहला फुसला कर ले जाने का आरोप। शिवपुरी जिले के करैरा थाना क्षेत्र से 2 माह पहले एक नाबालिग पुत्री को युवक बहला फुसला कर भगा ले गया। 2 माह बाद भी नाबालिग पुत्री का पता नहीं चल सका। आज माता पिता ने SP से नाबालिग को खोजने की मांग की है। जानकारी के अनुसार 20 अक्टूबर को सुबह 7 बजे नाबालिग बालिका उम्र 16 साल करैरा में कच्ची गली से कोचिंग एवं कन्या विद्यालय में पढ़ने गई छात्रा लापता हो गई। घरवालों ने जब बच्ची की तलाश की तो बालिका का कहीं पता नहीं चला, जिसकी शिकायत करैरा थाने में दर्ज कराई घरवालों ने। महिला की मां ने बताया कि 2 माह गुजर जाने के बाद भी आज तक मेरी नाबालिग पुत्री का पुलिस पता नहीं लगा सकी। गाँव के ही युवक गजेंद्र परिहार पुत्र इंदर परिहार निवासी ग्राम थाना करैरा पर बहला फुसला कर ले जाने का परिजनों ने आरोप लगाया। नाबालिग पुत्री की मां और पिता ने SP से जल्द ही पुत्री को ढूंढने की गुहार लगाई। क्या मामला लेकर आए हो? हमारी लड़की को ले 2 महीने। कैसे, कौन ले गया? एक लड़का है गजन परिया। कहां का है? अच्छा, कब कब ले गया वो? क्या कर रही थी लड़की? जाओ पढ़ने गई थी वो, सुबह 8 बजे पहुंचने जाती। हाँ, कन्या विद्यालय उधर स्कूल लेगा, उधर पढ़ने जाती फिर कोचिंग के बाद। कोचिंग नहीं ले गया। तो आपको कैसे पता वही ले गया है? हमें ऐसे पता है क्योंकि हमारे मोहल्ले की लड़की जो है हमने देखा है उसे उधर ले जाते हुए। कब का मामला है ये? 2 महीने हो जाएंगे 20 तारीख से। तो क्या थाने में सुनवाई नहीं हुई क्या? थाने में जाते हैं लोग, कह रहे थे हम जोड़ रहे कर रहे, हम लोग सबूत दें जब हो जाएंगे कहीं। अभी एक जगह मतलब फोन पे लोकेशन मिलाई थी उनने, हमने नंबर दिया तो वो लोग गए। हम लोग के पैसे खर्च हो गए 20,000 रुपये करके, गाड़ी ले गए 25,000 खर्च हो गए। एक लड़का लाए उसके बाद 2-3 दिन का खर्च हो गया। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो? आप SP ऑफिस आए हो? SP ऑफिस लिए आए, उधर कोई सुन ही नहीं रहा। हम आए, क्या बोला SP साहब ने? SP साहब तो मिले नहीं है क्योंकि मैडम ने कागज जमा करवाया। क्या बोला है आपसे? कार्रवाई हम उन्हें दे देंगे।